हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है रीमा सुधीर। और आज मैं बना रही हूँ आटे और गुड़ से कुछ मीठा। बहुत हेल्दी है और बहुत टेस्टी बनता है ये। तो ये रेसिपी मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ इसमें झमेला नहीं है, बस गुड़ और आटा और दूध से ही बनता है, बस तीन चीज़ों से। तो आप लोग देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए, मैं आटा गूंद ली थी और इसको मैं ऐसे बना रही हूँ, एकदम पतला पतला ऐसे बना रही हूँ। ज़्यादा मोटा नहीं करना है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरह बना लेना है इसे। देखिए, बना ली मैं। अब इसको मैं डालती हूँ। दूध जो रखी थी उबल गया है, अब इसको इसमें डाल दी मैं। अब इसको मैं थोड़ी देर तक पकने दूंगी अच्छे से, एकदम धीमी आंच पे, मीडियम आंच करती हूँ इस पर। और इसको इलायची डाल दी, दो इलायची डाली हूँ मैं। आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं, जिन लोग को इलायची फ्लेवर नहीं पसंद है वो लोग नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। सभी मेरे घर में सबको अच्छा लगता है, इसलिए मैं डाल दी। और इसको मैं ढक दी थी और देखिए ये पक गया है। थोड़ा सा दूध गाढ़ा हो गया है, ये बहुत टेस्टी लगता है। ये इसे आप मॉर्निंग में भी, ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, जब मन करे आप बना सकते हैं, बट मैं इवनिंग में बना रही हूँ। हो गया है, थोड़ा सा बाकी है, थोड़ी देर और इसको पकाऊंगी मैं, थोड़ा सा और गाढ़ी हो जाएगा। देखिए हो गया, दूध एकदम गाढ़ा हो गया है। और इसमें अब डालूंगी गुड़। थोड़ी देर इसको मैं ठंडा करने के लिए रखूंगी, ठंडा हो जाएगा उसके बाद तब गुड़ का जो ये बनाई थी उसको मैं डाल दी हूँ। देखिए कितना सुंदर से गाढ़ा हो गया है, देखने में टेस्टी लग रहा है, खाने में भी टेस्टी लगता है ये। और यहाँ देखिए दूध, सॉरी जो गुड़ रखी थी उसको मैं डालूँगी इसमें। बन गया, देखिए ऐसा बना है ये। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा एक बार और फिर मुझे बताइएगा कैसा लगा ये रेसिपी आप लोग को।